नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दोस्तों, इस समय हम जानीपुर में जहाँ पर सेंटर है, जहाँ पर लोग जो 45 प्लस हैं वो आकर वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, और वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है आइए दिखाते हैं यहाँ की झलकियाँ। जिस तरह से कोरोना वायरस जम्मू कश्मीर में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी उतनी ही मुस्तैदी से और उतनी ही तेज़ी के साथ काम कर रहा है। आज हम जम्मू के जानीपुर डिपार्टमेंट के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यहाँ पे आए हुए हैं और देख रहे हैं कि लोगों में भारी उत्साह है, और यहाँ के जो इंचार्ज हैं हमारे डॉक्टर जुबेदा जाहिदा पीर, ये बड़े जाहिदा परवीन जी, ये बड़े अच्छे तरीके से लोगों को फ्रेंडली तरीके से कोऑपरेट कर रही हैं, और ये लोगों बहुत और सभी को वैक्सीनेशंस लगाए जा रहे हैं और पूरे SOPs का पालन किया हुआ है। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे जो ये सेंटर है, ये वेल मेंटेन्ड सेंटर है, और बड़ी हैरानगी की बात है कि बड़े अच्छे तरीके से हमारे यहाँ के इंचार्ज ने जाहिदा ने इसको मेंटेन किया हुआ है। और लेकिन इसमें एक चीज़ की हम ये चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी, आप जल्द से जल्द हमारे जम्मू कश्मीर में और टीकाकरण वैक्सीन जो है उसकी सप्लाई सुनिश्चित करें, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो 45 प्लस है या 45 की एज के लिए, वही पर क्या ये जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति जी अनिवार्य हो जाए, क्योंकि डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये सामने आया है कि 45 साल से कम बच्चे नौजवान जो है वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे आया था और मेरे पत्रकार मित्र भी यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने भी मैडम से वैक्सीनेशंस करवाई हुई है, क्योंकि हमारे तमाम पत्रकार मित्र भी कोरोना वॉरियर्स हैं, पल पल की खबर प्रशासन तक आवाम की और आवाम की प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो मैं लेकिन जो 40 साल से कम बच्चे थे उनको अभी लगाए नहीं जा रहे हैं, तो मैं ये LG मनोज सिन्हा साहब से कहूँगा कि वो भी आदेश जारी करें, क्योंकि यहाँ का स्टाफ, ये जो जानीपुर का फैमिली वेलफेयर का है, ये बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। और साथ में हम ये कहेंगे कि आने वाले दिनों में ये सुनिश्चित करें कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स की कमी ना हो। तो जिस तरीके से ये सारी बातों, अब मैं चाहूँगा कि जो इस के इंचार्ज है, जो देख रेख कर रहे हैं इतनी अच्छे तरीके से और इतना अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर लगा हुआ है, और बाहर भी लोगों का तांता लगा हुआ है, ये हमारे यहाँ के जो कोरोना वॉरियर्स हैं डॉक्टर्स, इनसे आप पहले इनका सुनिए और इनसे सवाल जवाब। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये जानीपुर में सेंटर और जिस तरह कल तक का जो आंकड़ा था कि 2.5 लाख तकरीबन लोगों ने जम्मू की जो जनता रहे वैक्सीनेशन ले ली है, तो यहाँ पर अब कितना अभी तक कितना आपको प्रेशर पड़ गया है इस चीज़ का वैक्सीन का? प्रेशर नहीं जानते हम इसको, हम हमारे से जितना हो सकता है हम उतना करते हैं, हमारी कोशिश होती है 10 बजे पूरे हम स्टार्ट करते हैं सेशन, और 4 बजे तक हमारा यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा था, जो ऊपर से हमें टाइमिंग दी गई हुई है। बाकी रश तो रोज़ ही रहता है, लोग थोड़े से इनपेशेंट हो जाते हैं, वो हम लोगों से थोड़ी मैं अपील करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस से काम ले, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन लग ही जाएगा। तो बाकी हमारी कोशिश यही रहती है कि स्मूथली काम चले, और हमारी गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश है कि दूसरी एज ग्रुप जो है, मतलब बिलो 45 जो है, उनको भी इंक्लूड किया जाए। जैसे जिस तरह से लोग आ जाते हैं, पर कईयों को ये भी नहीं पता कि आखिर टीकाकरण के लिए क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, हम चाहते हैं आप भी अपने हमारे माध्यम से ये बताएं। डॉक्यूमेंट मतलब अगर वो इस एज ग्रुप में फाइल करते हैं, उनका आधार कार्ड होता है,
तीन चार ऑप्शन उसमें है, एक वोटर कार्ड भी चलता है, बैंक अकाउंट की कॉपी भी चलती है, जो जिसके पास जो भी अवेलेबल होता है उससे वो रजिस्टर हो जाते हैं। हमारे डाटा ऑपरेटर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी टीम वैक्सीनेटर्स काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, होल एंथुजियाज्म है इनमें, पूरा जोर जोश से काम कर रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ मेरी मतलब टीम जो है वो अच्छे से अच्छा काम करे, सारे लोगों को टीका हो जाए, जितने लोग दिन में यहाँ इकट्ठे होते हैं हमारी यही कोशिश रहती है कि मैक्सिमम हो जाए। तो बाकी हमारी यही कोशिश रहेगी, हमें लोगों का भी साथ चाहिए, हमारी मतलब हमें लोगों का वो सपोर्ट चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। लोकल लीडर्स जो हैं हमारे, ये डिम्पल जी है, पहले भी आए थे एक दिन, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह हमारी प्रेज की, आज दोबारा आए हुए हैं, ये हमारे खुशकिस्मती है कि ऐसे लीडर भी हमारे साथ काम मतलब आ रहे हैं, देख रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, हमें जांच कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एवरीवन, और लोग काफ़ी अच्छे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छी तरह काम कर रहे हैं। तो ये इंजेक्शन जो है काफ़ी सेफ है, हमारे यहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जितने भी लगा के जाते हैं सब अच्छी तरह। लोग डरते हैं कि इंजेक्शन लगाने से कोई साइड इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उस वजह से भी लोग उस तरह तो हम लोगों को पहले मतलब वो करते हैं, कंफर्टेबल करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको थोड़ा सा मतलब बताते हैं कि इंजेक्शन सेफ है, कोई इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, हल्का सा कुछ पेन या कुछ फीवर हो जाए वो तो वैक्सीनेशन में होता ही होता है ना, वो वैक्सीनेशन का एक प्रॉपर्टी है, तो वो जो वैक्सीनेशन से हो जाती है थोड़ी, उसके हल्का सा पेन किलर ले ले तो उससे सारा ठीक हो जाता है। वैसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, इंजेक्शन पूरी तरह सेफ है और ये हमारे लिए एक अच्छी प्रोटेक्शन है। जिस तरह कोविड हमारी बुरी तरह फैल रहा है दोबारा से, उसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अच्छी तरह इंजेक्शन ले लें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें खोलें। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से जानीपुर में एक सेंटर खुला है जहाँ पर लोग वैक्सीन ले रहे हैं जो 45 प्लस है, क्या कहेंगे आप सर? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो हैं, एक राजेश गुप्ता जी इस विषय को लेकर और हमारे इस वार्ड नंबर 35 में इस सेंटर में, आप लोग जो व्यवस्था देख रहे हैं इस वक्त टेंट्स लगे हुए हैं, इस वक्त चेयर्स लगी हुई हैं, यहाँ पर लोगों को जो है सुविधा हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर जो है उपलब्ध करा रहे हैं। आज महिला मोर्चा की तरफ से यहाँ पर एक ISM की तरफ से, हमारे जो इंडियन मेडिसन्स का है, आयुर्वेदिक की तरफ से कुछ एक सेंटर जहाँ रखा गया है, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो जो लोग भी इंजेक्शन लगवाने के लिए आते हैं उन लोगों को मुफ्त वितरित किए जाएंगे। और मेरा मानना है कि लोगों को ये इंजेक्शन लेना चाहिए, इंजेक्शन लेने के बाद खासतौर पर इसका प्रभाव जो है कोरोना बीमारी का प्रभाव जो है वो कम पड़ता है। देखिए, यहाँ के हमने आपको पूरे विजुअल बताए कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भी आदेश आए हैं हमारी जनता ने माने, और जिस तरह से कोविड की केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अनिवार्य हो चुका है कि जिस तरह से SOPs या गाइडलाइंस आती हैं उसको आम जनता ज़रूर फॉलो करे, और जिस तरह से यहाँ पर टीकाकरण यानी कि यहाँ पर सेंटर खोला गया है और जो लोग 45 साल या 45 से ऊपर हैं वो ज़रूर यहाँ पर आएँ और टीकाकरण करवाएँ। और कई लोग तो इसको अदरवाइज फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीकाकरण कितना ज़रूरी है ये अभी आपके जो यहाँ के सतपाल शर्मा उन्होंने भी बताया, और साथ ही साथ जो यहाँ की हेड है डॉक्टर जाहिदा परवीन उन्होंने भी बताया कि टीकाकरण कितना ज़रूरी है। ये जो कोरोना महामारी एक विकराल रूप धारण कर रही है, कहीं ना कहीं इसके प्रभाव से हम बच सकते हैं अगर जिसने टीकाकरण लगवाया। और साथ ही साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी कहेंगे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय से कि जो 45 से नीचे हैं उन लोगों के लिए भी जल्द से जल्द डोज का जो कि उनको भी लगनी चाहिए, ताकि हमारा भारत देश पूरा यानी भारत की बात करें या जम्मू कश्मीर की जनता पूरी तरह से सेफ हो जाए। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।